सेंट्रल दिल्ली के हौस काजी स्थित सीताराम बाजार से एक ऐसा मामला सामने आया है कि जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे सीताराम बाजार इलाके में रहने वाली एक बुजुर्ग महिला की बेटी की सहेली चार साल से लगातार उनके घर में सेंध लगा रही थी इस दौरान उसने घर से लाखों रुपए उड़ा लिए आरोपी ने उड़ाए हुए रुपयों से अपने भाइयों के लिए फ्लैट और जेवरात तक खरीद लिए पीड़ितों को जब इसका पता चला तो उसके पैरों तले जमीन निकल गई पीड़िता पुष्पा गोयल ने हरियाणा के कुरुक्षेत्र में अपनी प्रॉपर्टी बेचकर घर में कनस्तर में अस्सी लाख रुपए डालकर रख दिए थे और इसकी भनक उनकी बेटी की सहेली को लग गई वो धीरे धीरे चार साल तक कनस्तर से रुपए उड़ाती रही पुलिस ने आरोपी महिला व उसके दोनों भाइयों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है और मामले की छानबीन जारी है अमर उजाला की एक रिपोर्ट के मुताबिक गोयल अपने 20 साल के बेटे के साथ सीताराम बाजार में रहती हैं। बेटा पढ़ाई की वजह से बाहर था पड़ोस में बेटी की सहेली पूजा अपने परिवार के साथ रहती है किसी तरह चार साल पहले पूजा को पता लग गया कि पुष्पा ने हरियाणा में प्रॉपर्टी बेची है और उसके रुपए उसने घर में कनस्तर के अंदर छुपा रखे है पता चलते ही पूजा ने किसी न किसी बहा ने पुष्पा के घर आना जाना शुरू कर दिया वो ऐसे समय घर में आती थी जब पुष्पा घर में अकेली होती थी जब भी पुष्पा बिजी होती थी तो वो घर की तलाशी लिया करती थी चार साल पहले एक दिन उसे कनस्तर में रुपए मिल गए पूजा थोड़े से रुपए निकालकर चुपचाप अपने घर आ गई घर जाकर रुपए गिने तो वो सत्ताईस लाख रुपए थे पूजा ने अपने भाइयों को बाईस लाख रुपए का फ्लैट दिलवा दिया बाकी रुपयों से उसने गहने बनवा लिए इधर पुष्पा का किराया आता था वो खर्च करने के बाद बचे हुए रुपयों को बिना देखे कनस्तर में डाल देती थी उनतीस जून को पुष्पा ने देखा तो उसका कनस्तर खाली था उसमें एक भी रुपया नहीं था पीड़िता ने पुलिस को मामले की शिकायत की पुलिस ने शक के आधार पर पूजा से पूछताछ की तो वो टूट गई पुलिस ने पूजा उसके भाई अमित और वरुण उर्फ सोनू को गिरफ्तार कर लिया है इनके पास से कुल उनतीस लाख रुपए और जेवरात बरामद हुए हैं सभी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए तरकश और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें धन्यवाद